दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं सिंगापुर और वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और सारी बातों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप सिंगापुर के लिए वीज़ा जो अप्लाई करेंगे उसके लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, किस तरीके से आपको वीज़ा के ऊपर फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो के क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, कौन सी फ़ोटो खिंचवाएंगे, वो भी नीचे लिंक में ही दे रखा है। तो वो दोनों फाइलें आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और देखिए कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तो ये खुलेगा आपका अडोब PDF के अंदर। अगर आपके पास PDF रीडर नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना होगा इसको, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अडोबी एक्रोबैट रीडर की साइट पर जाकर। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो जब ये आप अडोबी PDF रीडर डाउनलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप पर, साथ ही साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लेंगे तो वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। दोस्तों, ये फॉर्म भरने से पहले आपके पास अपना पासपोर्ट भी रेडी होना चाहिए। ये फॉर्म खोलने के बाद आप जाएंगे टूल्स में। यहाँ पर एक आपको ये आइकन मिलेगा फिल एंड साइन का, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। इससे होगा ये कि ये आपको PDF फाइल के अंदर भी डेटा भरने के लिए हेल्प करेगा। दोस्तों, जिस तरीके से आपका नाम पासपोर्ट के अंदर लिखा होगा, बिल्कुल वैसे ही वीज़ा फॉर्म में भी फॉर्म नाम भरना है। जैसा कि पासपोर्ट में हमेशा होता है कि पहले सरनेम होता है और बाद में आपका नाम होता है। अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन हैं तो भी लॉ वही चलेगा जो पासपोर्ट पे जिस तरीके से नाम लिखा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर आप सरनेम लिख देंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी ये चीज़ें लिखें हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज़ करें ताकि किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो। फिर सेकंड कॉलम पे आए, वहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट में किसी और तरीके का नाम भी लिखा है, अलायस जिस नाम से आपको जाना जाता है, जैसे कि कई लोगों का नाम होता है PK, YK, इस तरीके से, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पासपोर्ट में मेंशन नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों ये ध्यान रखिए, सारी डिटेल्स आपके पासपोर्ट से ही मैच होनी चाहिए। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट में है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ आनी चाहिए। उसी तरीके से आपका मैरिटल स्टेटस जो भी आपका है, जैसे कि कंट्री ऑफ बर्थ, हमारे केस में इंडिया है तो हम इंडिया ही लिखेंगे। स्टेट ऑफ बर्थ, जिस भी स्टेट में आप पैदा हुए हैं वही भी स्टेट लिखेगा, जैसे मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली लिखूँगा। किस रेस के हैं, यहाँ पर आपको अपना नेशनलिज्म ही लिखना है, यहाँ पर रिलीजन नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इंडियन, और नेशनैलिटी भी इंडियन। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि इमिग्रेशन के लिए आपका पासपोर्ट ही यूज़ होता है तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट ही लिखना है। उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है वो लिखिए। माफ कीजिए, यहाँ नहीं, इस कॉलम में नहीं आएगा, यहाँ आएगा पासपोर्ट का नंबर। और पासपोर्ट की जो इशू डेट है वही आपको यहाँ पे लिखनी है, जो पासपोर्ट में इशू और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। जैसे कि मान लीजिए ध्यान रखिए, हर बॉक्स के आगे जाके आपको एक बार क्लिक करना ही पड़ेगा, तभी उस बॉक्स के अंदर ये चीज़ें आएगी। किस कंट्री से आपको ये पासपोर्ट इशू हुआ है,
कंट्री में भी किस जगह से इशू है। मान लीजिए मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ हूँ, लेकिन ये पासपोर्ट मैंने मुंबई से इशू करवाया था, तो मुझे मुंबई ही लिखना होगा प्लेस ऑफ इशू, और ये डिटेल भी आपके पासपोर्ट के ऊपर ही होती है। किस कंट्री से आप आएंगे या किस कंट्री में आप रहते हैं, उस वो एड्रेस, उस कंट्री का नाम, और यहाँ पे भी आपको इंडिया इंडियन ही लिखना है। यहाँ आप अपना पूरा पता लिखेंगे जैसा कि आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। यहाँ मैं जैसे एक फिक्टिशियस एड्रेस डाल देता हूँ, इसी तरीके से हम अपना ऑक्यूपेशन, अगर हम जॉब करते हैं, सेल्फ बिजनेस है, सर्विस है, जो भी चीज़ है वो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपना धर्म लिखेंगे, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, और पर्पस ऑफ विजिट जैसे कि टूरिज्म या बिजनेस मीटिंग वगैरह वगैरह। आप यहाँ पे अपना पीरियड लिखेंगे, किस तारीख से आप किस तारीख तक जाना चाहते हैं। अगर आप 30 दिन से कम जा रहे हैं तो आप इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप 30 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करें, लेकिन अगर आप 30 दिन से ज़्यादा वहाँ पे रुकेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी वजह लिखनी होगी। उसके बाद आपके पति या पत्नी जो भी हैं उनकी क्या नेशनैलिटी की, अगर वो सिंगापुर के हैं तो यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ लिखकर आप कर दीजिए। जो लोग सिंगल हैं वो इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। अगला कॉलम आपसे पूछता है सिंगापुर में आप कहाँ पर रुकेंगे, किसी रिलेटिव के घर, होटल में, फ्रेंड के घर। अगर तो आप किसी होटल में की जगह अपने रिलेटिव या फ्रेंड के घर रुक रहे हैं तो आप उस आपको उनका पूरा पता वगैरह देना पड़ेगा। अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो आप सीधा होटल पे ही क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पूछता है कि क्या आप पिछले 5 साल में किसी इंडिया के अलावा, जिस कंट्री से आप आ रहे हैं उसके अलावा किसी भी और कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, येस और नो। अगर येस है तो आपको वहाँ डिटेल देनी पड़ेगी, अगर नो है तो आपको और कुछ नहीं करना, सीधे नो पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसी तरीके से ये अगले कुछ क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पर ये पूछता है कि क्या आपके ऊपर किसी भी तरीके का कानूनी केस चल रहा है, या आपको कभी भी सिंगापुर से निकाला गया है। तो ज़्यादातर आपका आंसर नो ही होना चाहिए, अगर येस होगा तो फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए आपको फिर रीज़न देना पड़ेगा। बाकी ध्यान रखिए ये फॉर्म एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर कोई भी आपको बोलते हैं इस फॉर्म की कुछ कॉस्ट लगेगी तो वो आपको झूठ बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिखिए, साइन आपको इसका प्रिंट निकाल के करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको आप एम्बेसी में जमा कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, यह हमेशा अच्छा होता है कि आप अपने फ़ोन नंबर इस फॉर्म में यहाँ पे डाल दें, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सके। जैसे कि और हर पेज पे ये नंबर यहाँ डालें जहाँ पे, क्योंकि ये फ्री फील्ड है, इसका वीज़ा एप्लीकेशन से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ पर अपना नंबर डाल सकते हैं। बस दोस्तों इस तरह से आपका ये फॉर्म पूरा भर गया है, इसका प्रिंट निकालिए, साइन कीजिए और एप्लीकेशन भेज दीजिए। लेकिन
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, और वो फ़ोटो की क्या स्पेसिफिकेशन है वो आप लिंक में खोल के उसे देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, देखते रहिए, इंडिया देखो विद विपिन। थैंक यू।